सत श्रीकाल दोस्तों, तुम देख रहे हो कैंपस टीवी तो मैं तुहाडा दोस्त परमिंदर तेजा। सो दोस्तों तुहानू अज मिलाउण जा रहे हां इहोजे कमाल दे लीडर नाल जिहड़े कि 8 सालों तो विद्यार्थियों के हकों वास्ते लड़दे आ रहे हैं, तो वो बड़ा जाणिया पहचाणिया चेहरा। मेरे ख्याल उन्होंने तारफ करवाउण दी लोड़ नहीं, तुसीं सारे चंगी तरह जाणदे होवोगे। तो जिहड़े कि ABP पार्टी के चंडीगढ़ जोन के ऑर्गनाइजिंग सैकटरी ने, जिन्हों का नाम है दिनेश चौहान। चौहान साहब, तुहाडा पहला कैंपस टीवी पर हार्दिक स्वागत जी आयां नूं। मैं भी अपनी तरफ से और अपनी ऑर्गेनाइजेशन ABP की तरफ से कैंपस टीवी का धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अपना मान सम्मान दिया और अपने पास यहां पे आज इंटरव्यू के लिए बुलाया जी। जिवें कि तुहानू पता है कि किसी भी काम की शुरुआत करने में ना थोड़ी मुश्किल होंदी है, ठीक है। तो तुहाडी ये स्टूडेंट पोलिटिक की जिहड़ी शुरुआत है वो किवें हुई? वैसे तो आज तक किसी से शेयर नहीं की, फिर भी आपसे आज फर्स्ट टाइम शेयर कर रहा हूँ जी। दिल में उमंग थी मेरे कि कभी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आऊं और स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए लड़ाई लड़ूं और अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो विद्यार्थियों के साथ धक्का या तानाशाही होती है, मतलब जो प्रशासन की, उनके हक के लिए आवाज लड़ूं। तो भगवान की कृपा से और जो मेरा मेन भगवान है वो ABP। ABP संगठन एकमात्र ऐसा संगठन है जिसने मुझे इतना बड़ा मौका दिया, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। सन 2007 में मैं ABP के माध्यम से इस पंजाब यूनिवर्सिटी में एंट्री हुई और इस संगठन से जुड़ा जो आज कुछ भी हूँ वो ABP की बदौलत मैं यहाँ पे हूँ जी। दिनेश जी, जिवें कि तुहानू पता है कि जदों भी लाइफ च बंदा कोई स्ट्रगल करता, काम करता, तो उहदा सारे कोई ना कोई रोल मॉडल हुंदा, आदर्श हुंदा, तो तुसीं अपना आदर्श किस नूं मानदे हो? मैं अपने आदर्श उनको मानता हूँ जो देश समाज के लिए कुछ करके जाते हैं और देश समाज के लोग उनको याद करते हैं। मैं अपने भगत सिंह जी है उनको भी अपना आदर्श मानता हूँ, क्योंकि देश के लिए उन्होंने इतनी छोटी एज में क्या कुछ किया सबको पता है। दूसरे अटल बिहारी वाजपेयी, देश के एक मतलब एक ऐसा चेहरा जिन्होंने देश के लिए क्या कुछ नहीं किया, एक ऐसा नेतृत्व किया, देश में विकास फैलाए, डेवलपमेंट फैलाई, या फिर मैं उनको भी अपना आदर्श मानता हूँ डॉक्टर अब्दुल कलाम जी। अब्दुल कलाम ने देश में और दुनिया में हिंदुस्तान का नाम बनाया, चाहे साइंस की फील्ड में कह सकते हैं, मतलब इन्होंने मिसाइल भी लॉन्च की और एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो अपने हमारे देश के राष्ट्रपति भी बने और देश के लिए उनकी एक अच्छी सोच थी। तो मैं इन तीनों को अपना मतलब रोल मॉडल मानता हूँ, खास करके अटल बिहारी वाजपेयी जी को जी। तो जिवें कि गल करिए PU दी पोलिटिक्स दी, इत्थे काफ़ी समय तो मेन दो पार्टियां रहियां, सोपू ते पुसू, तो पिछले समय के थोड़ा ही टाइम होया एक नवी तीजे नंबर से पार्टी आई NSUI। तुहानू की लगता इन्ने टफ कॉम्पीटिशन आने वाली इलैक्शन से तुसीं कौंसल च पहुँचोगे? तेजा जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा सोपू और पुसू दो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कांग्रेस से बिलोंग करती है, दोनों ऑर्गेनाइजेशन को कांग्रेस चलाता है, लेकिन ABP इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी संस्था से नहीं जुड़ा है, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, फिर भी अपने दम पे खड़ा है। आज ABP पंजाब यूनिवर्सिटी पे तीसरे नंबर पे है। अगर एक्टिविटी इमेज की बात करें, करेक्टर, तो चंडीगढ़ में नंबर वन है, चाहे आप चंडीगढ़ प्रशासन से पूछ ले, चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी प्रशासन से पूछ ले, जितनी एक्टिविटी, जितने स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम ABP करती है शायद किसी से नहीं। आज पहली बार ही मैं 2010 में ABP ने लाठियां खाई थी सेक्टर 25 के रैली ग्राउंड में। किसी ऑर्गेनाइजेशन में हिम्मत नहीं है, हिम्मत है तो हमसे पूछा है, हम स्टैंड पॉलिटिक्स से त्याग कर देंगे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने लाठियां नहीं खाई, दिनेश चौहान और ABP के कार्यकर्ताओं ने, 3000 ABP के कार्यकर्ता थे, अभी भी 15 लोगों पे केस चल रहे हैं उस केस के। तो यह है स्टैंड पॉलिटिक्स और ABP ने जो स्टैंड वेलफेयर के लिए काम कर दिए। तो एक्टिविटी इमेज के हिसाब से ABP नंबर वन पे पूरे चंडीगढ़ है और इलेक्शन के हिसाब से हम थर्ड नंबर पे कहते हैं, लेकिन आज ABP इतना दम रखती है, जहां भी गठबंधन की बात आती है, जहां भी ABP जाएंगी, चाहे सोपू पूसू किसी के साथ भी, वहां जीत पक्की है। लेकिन ABP ने इस साल से इनिशिएटिव लिया है कि ABP अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ेंगी, चाहे कुछ भी हो, चाहे हार हो जीत हो, लेकिन आने वाले 1-2 साल में ABP को मतलब यूनिवर्सिटी का नंबर वन ऑर्गेनाइजेशन बना देंगे। जैसे हिंदुस्तान के आप किसी भी कैंपस में जाइए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाइए, हिमाचल में जाइए, गुजरात में जाइए, मध्य प्रदेश में, तो हिंदुस्तान के सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी में ABP नंबर वन है। तो ऐसे हम पंजाब यूनिवर्सिटी में भी ABP को नंबर वन बनाएंगे। तो हम स्टूडेंट से यही अपील करेंगे कि स्टूडेंट देखिए, अखबारों को पढ़िए, ABP के मोटो को जानिए, सबसे ज्यादा एक्टिविटी इमेज और स्टूडेंट वेलफेयर के लिए जो काम करती है सिर्फ ABP करती है। मैं चैलेंज के साथ आपके साथ ये बात करती हूँ। जिवें कि इतने हरेक पार्टी का एक एक मुद्दा, एक एक नारा, कहीं विद्यार्थियों के हकों वास्ते लड़ते रहे, साडा मेन मोटिव विद्यार्थियों के हकों वास्ते लड़ना, ये सारा का एक एक मोटिव है, तो फिर ये अलग अलग बैनर क्यों ले फिरते हैं? इसके लिए तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर हम एक
संगठन से सभी संगठन विभिन्न विभिन्न अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, अगर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन में मिल जाएंगे तो इससे बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए या कॉलेज के लिए, क्योंकि उससे तानाशाही हो जाएंगे। मान लीजिए मैं सभी पार्टियों का प्रधान बन गया तो शायद कभी ना कभी मेरे मन में डिक्टेटरशिप की भावना भी आ सकती है, जो कि नुकसानदायक है। इससे कॉलेज में, कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन भी तानाशाही होगी, क्योंकि हम दोनों की सेटिंग होगी, और इससे स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम नहीं होगा, क्योंकि इससे डिक्टेटरशिप हो सकती है। तो मेरा मानना है कि जितने से ज्यादा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन होंगे उतना बेनिफिट है, जो अच्छा करेगा उसको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, जो माड़ा करेगा उसको माड़े रिजल्ट मिलेंगे। सो अंत में कैंपस ट्रिप के जरिए संदेश की देना चाहोगे? मैं सभी पंजाब यूनिवर्सिटी के युवाओं को, जो स्टूडेंट के यूथ है पंजाब यूनिवर्सिटी के और जो चंडीगढ़ के है, पंजाब के है, मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि कैंपस टीवी एक पंजाब यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। युवाओं की जो परेशानी है, प्रॉब्लम्स है, उनको आप सब स्टूडेंट के सामने पेश कर रहा है, और जो स्टूडेंट लीडर है, जो हर ऑर्गेनाइजेशन है, हर ऑर्गेनाइजेशन की जो बात है, जो उनका एजेंडा है, जो उनकी पॉलिसी है, आप तक आपके जरिए पहुंचा रहे। तो कैंपस टीवी इस यूनिवर्सिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा, हम सब कैंपस टीवी के साथ जुड़े रहे और कैंपस टीवी के हर एक्टिविटी, हर मुहिम को अपने साथ जोड़ के रखे और अपना भी इंपॉर्टेंट उनको भी दे। सो दिनेश जी, तुसीं कैंपस टीवी वास्ते इतना समा कढ़िया, तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार एक लीडर नाल दोबारा हाजिर होवांगे, तद तक अपने दोस्त परमिंदर तेजा नूं आगे दिओ, होर अपडेट्स वास्ते देखदे रहो कैंपस टीवी। यू मिस नथिंग।